और अब बात करते हैं रीवा की, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत एनसीसी ग्राउंड में खेल रहे 12 वर्षीय बच्चा अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने जब बच्चे की तलाश शुरू की तो जानकारी मिली कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण होने की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में सन्नाटा खिंच गया। आनन फानन में पुलिस की दो टीमें बच्चे की तलाश में जुट गई। बच्चे का एक घर सिमरिया थाना क्षेत्र में और अपहरणकर्ता भी वहीं का निवासी था। अपहरणकर्ता ने बालक को नशे की गोलियां खिलाकर सिमरिया स्थित अपने घर ले जाकर बंधक बना लिया था। घटना शुक्रवार शाम 5 बजे की है, जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित टीआरएस कॉलेज के पीछे रहने वाला बच्चा एनसीसी मैदान में खेल रहा था, जिसका अपहरण हो गया था। अपहित बच्चे का गांव सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित मटीमा गांव है। अपहरणकर्ता भी बच्चे के गांव का निवासी ही है। बच्चा मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, उसी दौरान अपहरणकर्ता ने बच्चे का अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ता अंकित मिश्रा बच्चे को बाइक में बैठा कर रफू चक्कर हो गया था। घटना की सूचना एसपी नवनीत भसीन को मिली, जिसके बाद सिविल लाइन थाना और सिमरिया पुलिस को अलर्ट किया गया था। पुलिस की दो टीम और परिजन रात भर बच्चे की तलाश करते रहे। सुबह होते ही पुलिस और बच्चे के परिजनों को जानकारी मिली कि अपहित बालक आरोपी अंकित मिश्रा के घर पर है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की सतर्कता से बच्चे को बरामद किया गया और अपहरणकर्ता को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अपहरणकर्ता अंकित मिश्रा ने पहले बच्चे का अपहरण किया और अत्यधिक मात्रा में उसे नशे की गोलियां खिलाई। अत्यधिक नशे की गोलियां बच्चे को खिलाई गई, जिसकी वजह से बच्चा काफी नशे की हालत में था। पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चाकू के अलावा अन्य धारदार हथियार बरामद किए हैं। आरोपी से पूछताछ कर कार्यवाही की जा रही है। शाम को 5 बजे मेरा छोटा भाई चचेरा भाई यहाँ सिरमौर चौराहा में जो ग्राउंड है एनसीसी, उसी में खेल रहे थे, और एक गांव का ही लड़का अंकित मिश्रा और पिता राम नरेश, वो आके उसको गाड़ी में बैठाया और लेके रात भर फरार था। पता नहीं कहाँ ले गया, क्या खिला दिया, क्या पिला दिया। 10-12 साल का लड़का है और मम्मी चली गई थी, मम्मी थी नहीं वहाँ पे। उसके बाद जैसे हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग आके थाने में रिपोर्ट करवाए हैं। रिपोर्ट करवाने के बाद एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब को बताने के बाद टीआई साहब से मरिया को भी बताया, तो वो भी पूरा प्रयास रात भर किए हैं और ये लोग भी हम लोगों के साथ पूरी रात भर घूमे। इसके परिजन ने रिपोर्ट की थी थाना सिविल लाइन में कि उनका बेटा जो है घर पे नहीं है, कोई उठा ले गया है। तो उस सूचना पर तत्काल जो है अपराध का पंजीयन किया गया और थाना सिविल लाइन ने फुटेज की तलाश की और फुटेज में एक संदेही मिला जो उन्हीं के गांव मटीमा थाना सिमरिया का रहने वाला था, उसके घर जा करके उसे बरामद करके लाए हैं। अभी पूछताछ जारी है। उसको पहले से भी कई चोरी के आरोप लगे हैं, ये बताया जा रहा है। सिमरिया थाने का रहने वाला है वो, कि सिमरिया थाने ने कुछ चोरी के अपराध में उनपे पहले संदेह किया गया है। मामले पर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि बच्चे के परिजनों ने बच्चे का अपहरण होने की रिपोर्ट सिविल लाइन में दर्ज कराई थी। परिजनों की सूचना पर अपराध दर्ज कर सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम में सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को एक संदेह ही मिला जो उन्हीं के गाँव मटीमा थाना सिमरिया क्षेत्र का था। पुलिस की टीम बच्चे को अपहरणकर्ता अंकित मिश्रा के घर से बरामद किया है। आरोपी आयतन अपराधी है। इसके खिलाफ सिमरिया थाना में पूर्व से चोरी के कई मामले दर्ज हैं। बच्चे से पूछताछ के बाद ही पता चल पाया कि आरोपी ने उसका अपहरण क्यों किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिरा 24 न्यूज। तो वहां से तो ये एक है रूम के चाबी।